तो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। एक नए व्लॉग की शुरुआत आप सभी के साथ। थंबनेल और टाइटल से आप सभी लोगों को पता लग ही गया होगा कि आज हम लोग करवाने वाले हैं अपने रूम का स्टूडियो बोलो हमारे रूम का टूर। हमने अभी अभी रेडी करा है लेटेस्ट व्लॉग का। इंतजार मेरे को लग रहा है कि बहुत लोगों को बिल्कुल भी नहीं था मेरे को बहुत सारे कमेंट्स इंस्टाग्राम पे भी आ रहे थे और यूट्यूब पे भी, रेगुलर व्लॉग्स में भी रोज लोग कमेंट कर रहे थे कि यार स्टूडियो टूर दे दो। तो मैं स्टूडियो तो नहीं बोलूंगा, एक रूम ही बोलूंगा। ज्यादा पैसे नहीं लगाए बिकॉज यार हम लोगों ने घर चेंज करना ही है, तो मैंने सोचा इतने पैसे यहाँ पे ना लगाए तो सिंपल सोबर सा बनाया है, वीडियोज वगैरह बन जाया करे, अपना एक तरह का ऑफिस हो गया। ये रूम जो है हमने पहले किराए पे दे रखा था आज से 5-6 साल पहले, जब हमारी थोड़ी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी इसलिए दिया था। लेकिन अब ठीक है तो वो लोग चले गए, उन्होंने अपना घर ले लिया था। तो फिर हमने सोचा यार अब तो किराए पे देने का कोई तुक नहीं बनता, सो हम लोगों ने ये रेडी कर लिया अपनी वीडियो, अपना स्टूडियो बना लिया एक तरह का। तो अभी बाकी एक दो चीजें हमने और ऑर्डर करी, हाँ। मैंने कल ही करी है, वो अभी आई नहीं है, तो हमने सोचा सबसे मेन चीज गाइस अभी तक आई नहीं है। सबसे मेन चीज शीशा मिरर, बड़े वाला मिरर मंगवाया हुआ है वो अभी तक आया नहीं है। मैं इतना इंतजार नहीं कर पा रहा था इस वीडियो के लिए, तो मैंने सोचा बना देता हूँ और वो जो मिरर आएगा जब, तब मैं आप लोगों को व्लॉग्स में दिखा दूंगा। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। और ये गेट हम लोगों ने एज यूजुअल ही रहने दिया, जो 10-15 साल पुराना गेट है हमारा, ऐसे कैसा ही है ये हम लोगों ने चेंज नहीं करवाया है। बिकॉज वही मैंने आप लोगों को बताया ना कि इतने पैसे नहीं लगाए हम लोगों ने, तो नए घर पे अच्छे से स्टूडियो बनाएंगे। ये भी बढ़िया बनाया, ऐसी बात नहीं है यार। यहाँ से होती है हमारे स्टूडियो की एंट्री और ये इस कलर के हम लोगों ने पर्दे लगवाए हैं। हाँ हाँ, इसका कोई तुक नहीं बनता, ये पता नहीं क्यों लगा दी इस कलर के। और एंट्री होते ही राइट हैंड साइड पे हम लोगों ने लगाया है ये बेड। ये जो पिल्लोज हैं ये निधि ने खुद घर पे बनाए हैं। किस चीज के बनाए हैं ये बता दो। ये मैंने ना जो मतलब बिल्कुल कपड़े पहनने लायक नहीं थे, किसी को देने लायक नहीं थे, वो कपड़े सारे फटे फूटे कपड़े मतलब वो भर दिए मैंने उसके। वेरी गुड। और ये जो बेड देख रहे हो आप लोग, ये हमारे ना ऊपर टेरिस पे तख्तपोश था, उसको हमने कटवा दिया। ये देखो, ये कटवा के हम लोगों ने इतना बना दिया और इस पे गद्दा और चद्दर लगा बिछा के। और तख्तपोश में फिर मैंने खुद पेंट किया। क्या बात है। और पिलोज वगैरह ये सारे घर पे हैं? हाँ, ये घर पे ही समझ लो आप एक हिसाब से। ठीक। इसके ऊपर ये हम लोगों ने 3 फ्रेम्स लगाए हैं जिसपे लिखा हुआ है बिलीव इन योर ड्रीम्स, क्योंकि इससे हमारे को पॉजिटिव वाइब्स आएगी। ओए हो, यहाँ पे लिखा भी है पॉजिटिव वाइब्स ओनली, जिसको नेगेटिव वाइब्स है वो दूर रहे, नेगेटिविटी दूर रहे। वैसे नेगेटिविटी खा ली है अपने, हाँ। पर फिर भी दूर रहे नेगेटिविटी। और इसके ऊपर एसी लगवा दिया हम लोगों ने। और ये था राइट हैंड साइड, इधर मैंने अपना वो रखा हुआ है गिटार, ये अपने यंत्र, अपने औजार, अपने हथियार, रिंग लाइट और अपनी ये ट्राइपॉड। बोर्ड कुछ नहीं चेंज करवाया गाइस हम लोगों ने, कोई काम नहीं करवाया। और सबसे मेन हमारा ये फर्श गाइस पूरा लग चुका है, ये देखो, वाओ फर्श बहुत अच्छा लग रहा है। इस फर्श से गाइस इतनी ग्रेस बढ़ी है ना, मैं क्या ही बताऊं। और उसके बाद सामने की दीवार, ये ये सारे सामान की अनबॉक्सिंग आपने निधि के व्लॉग्स में देखी होगी, शॉर्ट वीडियोस में। नहीं देखी तो जल्दी से जाके देख लो। तो फिर भी आपको यहाँ पे भी दिखा देते हैं। यस, ये सारा अपना, ये बुक अभी मैंने पढ़नी शुरू करनी है, ये मैं लेके आया था, संपूर्ण है शिव कुमार की, शिव कुमार बटालवी जी सारी कविताएं है। और हाँ, हमारा पोर्ट्स हो गए, ये पोर्ट्स हो गए, ये हो गया। अगर आपको ये सब कुछ खरीदना है तो उसके लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हो। और ये हम लोगों ने लोकल मार्केट से ली थी ये दोनों चीजें, वो प्यारी हैं। ये बॉटल मैं एक बार दिखाती हूँ आपको। चलती है? हाँ चलती तो है, पर अंधेरे में चलेगी ये, बिल्कुल अंधेरा होगा क्योंकि इसकी लाइट बहुत ज्यादा डिम है। इसको बाहर तो निकाल के रख दे, परफ्यूम है ये। यार बाहर मैंने पता क्यों लगा, क्योंकि ये मगा गंदा ना हो। ओ भाई, रूम फ्रेशनर है ना ये। रूम फ्रेशनर दूसरा ले लेंगे यार, छोड़ो। ये भी अच्छा है यार, पिंक नहीं जी लगती पई है। पिंक बढ़िया है ना वैसे। हाँ,
और ऊपर लगी अपनी घड़ी जो कि बंद पड़ी है, बंद घड़ी लगाते नहीं है पता है, पर चलो चेंज कर लेंगे, चेंज नहीं करने ये ठीक करवाता हूँ अभी मैं कुछ दिनों में, तो कुछ दिनों में आज ही मतलब एक दो दिनों में। तो ये सामने दीवार पे वॉच लगा दी, इधर को ये लगा दी हम लोगों ने, और इधर हमारा टिड्डू सा ये शीशा गाइस ये शीशा चेंज करना है हम लोगों ने, ये पुराना पड़ा था ऐसे ही लगा दिया फिर हम लोगों ने, और नीचे ये पायदान हमने लगाया, ये बहुत सॉफ्ट है यार, ये लिया है हमने अमेज़न से, ये अमेज़न से मंगाया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हर ए लोकल मार्केट से लिया है। तो यहाँ पे जो भी चीजें पड़ी हैं जो हम लोगों ने ऑनलाइन मंगवाई हैं, एक एक चीज का लिंक जो है आपको मिल जाएगा। और इसके बाद आते हैं हमारे, इसने तो मेरी गंदी गंदी टी शर्ट यहाँ पर रख दी गाइस, कपड़े कपड़े ये भी अमेज़न से मंगवाया, अमेज़न से यस अमेज़न ओके, ये भी अमेज़न से मंगवाया है, एंड इस पे मैंने अपने थोड़े बहुत कपड़े लगा दिए हैं, पतिदेव जी के लगा दिए, वरना पतिदेव जी ने लड़ाई करनी थी, मेरे कपड़े कहाँ हैं, मेरे कपड़े कहाँ, और ऊपर अपने सिल्वर प्ले बटन, क्या बात है, ये निधि का और ये मेरा, जतिन तलवार निधि तलवार, मेरा शुरू से सपना था कि भाई मेरा सिल्वर प्ले बटन लगा, धर्मवतनी जी मेरा वीडियो बनाने का मकसद YouTube पे सिर्फ यही रहा है कि मेरे को सिल्वर प्ले बटन चाहिए, सिल्वर प्ले बटन चाहिए, अभी मेरा ये मकसद है कि गोल्डन प्ले बटन आ जाएगा, मेरा भी आ जाए यार, और नीचे ये जूट क्या बोलते हैं इसको पता नहीं, और ये पिलो मैंने लोकल मार्केट से निधि को गिफ्ट करे थे, पिलो पिलो ही है वो वाला, ये पिलो है, ये पिलो है टैडी पिलो है, वो टैडी ये हम गाइस, ये गुल्लक आपको याद होगी, ये हम लोगों ने ली थी दिवाली पे, आज से दो साल पहले दो तीन साल पहले, जो जब अगर आप हमारे दोनों के शुरू से व्लॉग्स देखते हो तो आपको पता होगा है ना, अभी तक नहीं तोड़ी, ये भरी नहीं अभी तक, इसलिए वैसे पिछले 6 महीने से हमने पैसे नहीं डाले इसमें, कुछ नहीं डाला, आज तुमने दबे थे मेरे पैसे, वो डाले वो कहाँ है, इसमें होंगे गाइस, इसके ना 200 रुपए बढ़े, मैं क्या वीडियो बनाने के 200 रुपए लूंगा, वो है ही नहीं इसमें, तो कहाँ रख दिए, बहुत चलाक हो यार, निकाल लिए, 200 रुपए डालो उसमें गुल्लक में, और ये मेरा पर्स, ये मेरा सामान, बस गाइस इतना सही है यार, हमारा स्टूडियो भी सामान और लेके आने वाला है, और आप फर्श देख लो गाइस, मैं कह रहा हूँ फर्श से इतनी ग्रेस बनी है ना हमारे मतलब रूम की, मतलब मजा आ गया यार, ये क्या बात है, ए पहले पर्दे का कोई तुक नहीं बन रहा गाइस, पर फिर भी तुक नहीं बन रहा, मैच नहीं कर रहे, क्यों ठीक लग रहे यार, नॉट बैड, ठीक तो लग रहे हैं, गाइज ये हमारा छोटा सा रूम जहाँ पे हम अपनी वीडियोस बनाते हैं, धीरे धीरे इसमें थोड़ा थोड़ा सामान लगाते जाएंगे जैसे जैसे, हाँ अभी पूरा नहीं हुआ है, जैसे जैसे आती जाएगी, जैसे जैसे ये व्लॉग पे व्यूज आएंगे वैसे वैसे सामान जाता जाएगा, मतलब यार मेरे को चुल लगी हुई थी कि ये व्लॉग बनाना है, सो मैंने कहा कि चलो बनाते हैं व्लॉग, और बस इतना सही है यार, लाइटिंग भी हम लोगों ने कुछ ज्यादा नहीं रखी है, सामने ट्यूब लगाई है, एक इधर ट्यूब है और एक बल्ब है बस, और एक लाइट की वजह से, तो यही था गाइस स्टूडियो टूर, छोटा सा स्टूडियो टूर दिया है हम लोगों ने, घर में थोड़े बहुत और चेंजेस करे हैं वो भी आप लोगों को दिखा देते हैं, वैसे तो आप लोगों ने बाकी जो लास्ट व्लॉग्स आए हैं उसमें देख ही लिया होगा कि हमने कौन कौन से फ्रेम्स वगैरह लगाए हैं, जो चेंजेस करे नीचे वो आपको एक बार फिर से दिखा देते हैं, अच्छा हाँ एक बुद्धा जी लगाए हैं यहाँ पे हम लोगों ने, गाइस ये फ्रेम चेंज करा है, चूड़ा और कलीरे मनीषा को वो दे दिए वापस, तो सेरा हम लोगों ने छोटे फ्रेम करवा दिया, ये चद्दर भी चेंज हुई है, क्या बात है, ये वाला फ्रेम, हाँ ये तो गाइस आपको याद होगा जब मैंने निधि के बर्थडे पे 23 गिफ्ट दिए थे, उसमें से एक ये गिफ्ट था, देखो कितना प्यारा लग रहा है, और जैसे ही हम लोग नीचे उतरेंगे, नीचे उतरते ही इधर से आपको दिखेगा ये फ्रेम सेट जो कि मेरा फेवरेट है, बहुत ही प्यारा फ्रेम सेट, ये स्टूडियो में लगाना चाहिए था ना, मैं ना गाइस इसको बोल रहा था, बहुत बार बोला कि ये वाला हमें स्टूडियो में लगाते हैं हम लोग ये, पर ये मानी नहीं, स्टूडियो में मैंने सोचा 11 वाला 11 फ्रेम बड़े साइज वाली,
तो वो ला देंगे ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा मेरे को ऐसा लगा एक फैमिली भी होनी चाहिए ना, फैमिली फोटो बढ़िया सही है वैसे, बहुत प्यारा लगा मेरे को ये यार। और क्या लगाया, एक ये लगाया हम लोगों ने ऐसी शोकेस के लिए हैंगिंग, नकली है गाइस ये। ओ भाई ये गाइस चला के दिखाओ, ये तो अलग ही फील देती है। कितने भाई बने, ध्यान से ध्यान से। और गाइज एक यहाँ पे लगाए हैं हम लोगों ने हॉर्स की तस्वीर, ये भी बहुत प्यारी लग रही है। तो गाइज यही था स्टूडियो टूर, रूम टूर, जो मर्जी कह लो आप लोग, और जो भी हम लोगों ने छोटे छोटे चेंजेस करे, आई होप आपको पसंद आया होगा हमारा न्यू रूम। और अगर ये व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो जल्दी से सब्सक्राइब करो, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू।